लोकायत के नए वीडियोस के अपडेट रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब तीसरा मुद्दा, देश के भीतर की अर्थव्यवस्था का दूसरा मुद्दा सर, कि सरकार लगातार इस देश में केंद्रीयता बढ़ाते चली जा रही है। देखिए, हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों के कुछ अधिकार हैं, केंद्र के कुछ अधिकार हैं। राज्य अपने आप को कब एसर्ट करते हैं? जब राज्यों के पास पैसा होगा। तो देश का नियम क्या है कि सरकार की जितनी भी, क्योंकि मुख्य देश में टैक्सेस केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, तो नियम बना हुआ है कि केंद्र सरकार जितने पैसे इकट्ठा करती है, जितना टैक्स आमदनी इकट्ठा करती है, उसका 42% वो राज्यों को देगी। ये नियम, यानी देना है। और राज्य अपने भी टैक्स लगाते हैं, तो लगभग आधा कोई भी राज्य की जो कुल आमदनी है उसका आधा केंद्र से आता है और आधा वो अपने स्रोतों से इकट्ठा करते हैं। तो कोई, जैसे महाराष्ट्र सरकार है, अपनी प्लानिंग कैसे करेगी? जितनी आमदनी होगी उस आमदनी का आधा यदि केंद्र से आ रहा है तो भाई वो मान के चल रहे हैं कि आ रहा है, और वो कानून बना हुआ है कि 42% मिलना है। लेकिन उसमें एक पेच, हर चीज में पेच है। पेच क्या है कि जो सरकार टैक्स आमदनी इकट्ठा करती है वो दो प्रकार का इकट्ठा करती है। उसको बोलते हैं, दूसरा प्रकार है, एक तो टैक्स हुआ और एक हुआ सेस। नहीं, वो बोलते हैं शिक्षा का सेस लगा रखा है। इस बार उन्होंने अमीरों के ऊपर सरचार्ज लगाया है, वो टैक्स नहीं है, सरचार्ज है। इफेक्ट, कुल असर वही है, यानी आपको पैसे देना ही होंगे, चाहे टैक्स के नाम पर दो चाहे सेस के नाम पर दो। फर्क क्या पड़ता है कि सेस और सरचार्ज सरकार की टैक्स आमदनी में नहीं गिने जाते, तो उसका 42% नहीं देना होगा। समझ गए? तो सरकार की टैक्स आमदनी में से सेस और सरचार्ज घटाए जाते हैं। वो देखिए पहली लाइन, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यूज माइनस सेस एंड सरचार्ज। समझ गए? तो सरकार ने कुल 100 रुपए इकट्ठा किए, उसमें से 80 टैक्स है, 20 सेस है, तो कायदन 100 का 42 देना चाहिए था, लेकिन नियम क्या है कि 80 का 42 दोगे। बात समझ गए? सिंपल है। तो मोदी सरकार ने 5 साल में सेसिस की आमदनी दुप्पट से ज्यादा कर दी है, 6.3 तिप्पट। 2013-14 में जीडीपी की तुलना में 6.3 था, 17.8 हो गया है, तिप्पट। तो इस साल राज्यों को लगभग 2,00,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, उतना केंद्र सरकार नहीं देगी। तो मामला बहुत सिंपल है, राज्यों की आमदनी कम कर दो तो राज्य संकट में फंस जाएंगे, फिर राज्य भीख मांगते आएंगे केंद्र के पास कि भैया पैसा नहीं है, हमको और दो। नहीं, जैसे आंध्रा कह रहा था कि स्पेशल अलाउंस दो, बिहार कहता है कि स्पेशल अलाउंस दो, वो इसलिए कि पैसा नहीं है। तो ऐसे में फिर केंद्र सरकार बाह मरोड़ती है कि या तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे। ये मामला है। तो पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की वाट लगाकर केंद्रीयता बढ़ाते चले जा रहे हैं। सिंपल है, देखिए तिप्पट बढ़ गया है, कुछ कायतरी लिमिट असेल ना, 5 साल में तिप्पट बढ़ा दोगे सेस और सरचार्ज। चलिए, अब वो सब छोड़कर अब जो बजट का गाभा है उसकी तरफ आए। तो मामला बहुत सिंपल है कि अर्थव्यवस्था किसके लिए चलानी है? अमीरों के लिए चलानी। कैसे अमीरों के लिए चल रही है उसका थोड़ा ओवरऑल लेखा जोखा है। देश में जो आर्थिक नीतियां लागू हैं, आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उस
जिस इकोनॉमिक थ्योरी के तहत ये सब हो रहा है उसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। आपने शब्द यदि सुना होगा, इकोनॉमिक्स में आजकल स्थापित शब्द है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म का हमारा जो अर्थ है और किताबों का अर्थ है अलग अलग है। मैं हमारे अर्थ की पे बात करता हूं, किताब आप पढ़ लीजिएगा, वो उसको डिफेंड करते हैं। उसका आलोचना बहुत सिंपल है, मैं अंत में बता दूंगा उसमें गोल किधर, वो किधर गोलमाल किए हैं। लेकिन इसेंस ये है, नॉर्मली कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आगे का सोचती है। आगे का सोचने का मतलब है कि जब आप विकास की योजना बनाते हो, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, मैं कोई इंदिरा गांधी का समर्थक नहीं हूं लेकिन वो पॉलिसी अच्छी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? क्योंकि बैंक जो पहले क्या होता था, प्राइवेट बैंक जो थे, टाटा का बैंक था, बिरला का बैंक था, जब बैंक प्राइवेट होगा तो लोन किसको देगा? अपनी ही कंपनियों को देगा ना। तो टाटा का बैंक लोन किसको देगा? टाटा की कंपनियों को देगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार यदि योजना बनाती है कि भैया फला फला सेक्टर को लोन दिया जाए, तो कहां से आएगा पैसा जब सारे बैंक प्राइवेट हैं? इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसीलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद गांव में बैंकों की शाखाएं खुली। क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए तो सरकार ने बैंकों पर नियम बनाया कि अब तुमको आधी ब्रांचेस गांव में खोलनी होंगी, और फिर गांव ने कर्जे देना, फिर बैंकों ने गांव में ब्रांचेस खोली, किसानों को कर्जे दिए और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की सीमाएं हैं लेकिन कुल मिलाकर गांव में पैसा आया नहीं। कोल्हापुर सतारा वगैरह सब 1970 के बाद विकसित हुए। तो आप टाटा का नुकसान किए बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, लेकिन जब गांव में पैसा जाएगा, किसानों के पास पैसा आएगा और खेती समृद्ध होगी, तो वही किसान फिर टाटा का सामान खरीदेंगे ना, तो टाटा की कंपनियां ज्यादा चलेंगी। तो दूरगामी तौर के लिए तात्कालिक नुकसान किया गया, यानी दूरगामी पूंजीवाद के फायदे के लिए, दूरगामी तौर पर टाटा और बिरला और गरवारे के फायदे के लिए तात्कालिक तौर पर उनका नुकसान किया गया, उनके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि दूरगामी तौर पर पूंजीवाद का और देश का विकास हो। ये पूंजीवाद का यही मूल सिद्धांत है। अब उसमें क्या सही है क्या गलत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पूंजीवाद के तहत देश का विकास हुआ ही। 1950 से लेकर 90 के बीच में इस देश में एक समृद्धि बढ़ी, और लोग नहीं कहते हैं कि पहले चप्पल थी, जूते आए, साइकिल थी, स्कूटर आया वगैरह वगैरह, यानी कुल मिलाकर एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, आमदनियां बढ़ी वगैरह वगैरह, वो सच्चाई है। यानी आगे का सोचा जाता है, भविष्य का सोचा जाता है। तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन देते हो ताकि लघु उद्योग खड़ा होगा, वो आमदनी, लघु उद्योग में रोजगार भी ज्यादा पैदा होता है बड़े उद्योग की तुलना में। तो इन्होंने लघु क्षेत्र के लिए कई सेक्टर आरक्षित किए कि भाई हैंडलूम जो है, जांगे बनियान सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर में बनेंगे। ये पहले आरक्षण था, बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती थी, क्यों? उसमें रोजगार ज्यादा उपलब्ध होता है स्मॉल स्केल में। तो इस तरह से देश का भविष्य देखते हुए बहुत सारी चीजें की जाती है। आप शिक्षा सस्ती रखते हो, स्वास्थ्य सस्ता रखते हो, उस पर सरकारी खर्चा करते हो ताकि लोग स्वस्थ रहेंगे तो काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, मेहनत करेंगे और देश का विकास होगा। ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है जो पहले पढ़ाई जाती थी। अब न्यू लिबरलिज्म का जमाना आ गया। न्यू लिबरलिज्म में क्योंकि अब देश के ऊपर विदेशी बड़ी कंपनियों का नियंत्रण है, तो वो बहुत लंबा नहीं सोचते, क्योंकि वो विदेशी है ना, वो लंबा क्यों सोचेंगे, वो तात्कालिक सोचते हैं। तो ऐसे में नियो लिबरलिज्म के तहत, जैसे पहले वाले पूंजीवाद में यदि अर्थव्यवस्था संकट में आएगी तो वो सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था में ऐसे क्या किया जाए कि धीरे धीरे लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाई जाए, क्योंकि लोगों के पास रोजगार होंगे। भाई पूंजीपति का सामान कब बिकेगा? जब आपके पास पैसा होगा। आपके पास पैसा कब होगा? जब आपके पास रोजगार होगा। तो पूंजीवाद के फायदे के लिए जरूरी है कि रोजगार पैदा हो, और उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, तो उस तरह की पॉलिसीज अपनाई जाती हैं कि रोजगार पैदा हो।
न्यू लिबरलिज्म में ये नहीं किया जाता, क्योंकि जब विदेशी कंपनियां हैं तो वो भविष्य का नहीं सोच रही, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्या हो। तो देशी बड़ी कंपनियां और देशी और विदेशी बड़ी कंपनियां दोनों मिलकर आज के जमाने में भविष्य का न सोचकर न्यू लिबरलिज्म का फंडा यह है कि भैया जल्दी से जल्दी नफा कैसे कमाया जाए, कल का कल देखेंगे। तो ऐसे में जब इकोनॉमी नहीं चल रही होती, यानी जब इकोनॉमी ठहरने लगती है, जब मंदी आने लगती है, तो रोजगार कैसे पैदा किए जाए इसके बारे में नहीं सोचा जाता, लोगों की आमदनी कैसे बढ़े इसके बारे में नहीं सोचा जाता, तो फिर जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यह है कि सरकार के पास जो पैसा है या देश की जो साधन संपत्ति है वो अमीरों की जेब में डाली जाए। तो सरकार गरीबों में रोजगार पैदा करे, उसके बदले सरकार अपनी टैक्स आमदनी अमीरों को दे, ये फॉर्मूला हो गया है। यानी भविष्य का ना सोचकर तात्कालिक तौर पे पूंजीपति का फायदा कैसे हो वो सोचा जाता है। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स, अब ऐसे में इकोनॉमिक सिद्धांत बदल दिया, फ्रॉड करने लगे। और अब वो लॉजिक क्या देते हैं कि पूंजीपतियों को यदि टैक्स कंसेशन दोगे, टैक्स माफी दोगे, तो पूंजीपति निवेश करेगा, कारखाना खोलेगा। अब ऐसा सोच लो कि साबुन का कारखाना है, साबुन नहीं बिक रहा तो पूंजीपति पैसा नहीं लगाए, ठीक है ना। अब सरकार ने पूंजीपति को टैक्स माफी दे दी कि तुम्हारे पास थोड़ा और पैसा आ जाए। अरे भाई, थोड़ा और पैसा आएगा तो भी साबुन तो नहीं बिकेगा ना, क्योंकि गरीब आदमी साबुन कहां, गरीब आदमी के खरीदने की क्षमता कहां बड़ी। तो आपने जो 10 रुपया अमीर को टैक्स माफी दी, उसके बदले वो 10 रुपया यदि आप गरीबों की रोजगार या गरीबों के स्वास्थ्य शिक्षा में खर्चा करते, ताकि वहां रोजगार पैदा होता, क्योंकि जब स्वास्थ्य पे खर्चा करते हो तो रोजगार पैदा होता है, नर्स लगेगी, अस्पताल खुलेगा वगैरह वगैरह, शिक्षा में खर्चा करोगे तो टीचर लगेगा, क्लर्क लगेगा वगैरह वगैरह। तो आप यदि वो 10 रुपया शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च करते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे खर्चा करते तो रोजगार पैदा होता, उसके बदले आपने अमीर को टैक्स माफी दे दी, तो वो गरीब आदमी तो गरीब ही रह गया ना, वो फिर भी साबुन नहीं खरीदेगा, लेकिन अमीर की जेब में आ गए ना 10 रुपए, उसको वही चाहिए। उसको क्या फर्क पड़ता है कि साबुन बेचने से 10 रुपए आए या सरकार की तिजोरी से आए, पूंजीपति को क्या चाहिए, नफा चाहिए। तो न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमिक्स को सिर के बल खड़ा कर देता है और कहता है कि भैया कुछ भी करो, अमीरों की जेब में पैसे डालो, गरीब आदमी खरीदे या न खरीदे काई फर्क नहीं पड़ता। तो अब्जादीश बढ़ते जाते हैं और उधर गरीबी बढ़ती जाती है, वही इस देश में हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। तो नीतियां क्या चालू हैं, नीतियां चालू हैं कि सारी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं, सारे जो जरूरी सेवाएं हैं जिनको निजीकरण नहीं किया जाता। अरे भाई, पीने का पानी का निजीकरण करने का मतलब है कि 20 रुपए लीटर की बिस्लरी की बोतल कौन पिएगा। तो लेकिन पूंजीपति पानी में क्यों पैसे लगाएगा जब नफा मिलेगा। तो यदि घर में सस्ता पीने का पानी और वो भी स्वच्छ उपलब्ध कराना हो तो वो सरकारी क्षेत्र में ही हो सकता है, प्राइवेट में हो ही नहीं सकता। प्राइवेट में शिक्षा चलेगी तो फीस 1 लाख रुपए होगी, सरकार में ही सस्ते में हो सकता है ना। तो लेकिन आप बच्चे, गरीब आदमी भी किसी तरह से बच्चों को पढ़ाता है, तो अमीर किसी भी तरह से नफा कमाए, गरीब पढ़े ना पढ़े, इलाज हो कि ना हो, हर क्षेत्र निजी किया जाए, ये पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी, अमीरों को लोन माफी दी जाए। आपको मालूम है मोदी के 5 साल में, मेरे पास आंकड़े के डिटेल्स है लेकिन समय बचाने के लिए हमारी किताबों में आंकड़े हैं, इन्होंने पिछले 5 सालों में अमीरों के 20 लाख
करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ किए हैं, 20 लाख करोड़। अमीरों के लोन माफ कर दिए, कर्जे माफ कर दिए, उसके बदले वो कर्जे गरीब आदमी को दिए होते तो कितना रोजगार पैदा हो गया होता। टाटा की तिजोरी दुप्पट हो गई, अमीर आदमी अभी भी खाली। अमीरों को लोन माफी अलग, टैक्स माफी अलग। हमारा अंदाज है अब सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए, 2 साल तक आंकड़े दिए, तीसरे साल गोलमाल किया, चौथे पांचवें साल आंकड़े गायब, इस साल थोड़ा सा आंकड़ा दिया है आधा, वो भी मैनिपुलेट करके। तो हम यदि वही रेट मान लें पहले वाला, जो 2 साल ईमानदारी से आंकड़े दिए, फिर पता नहीं किसी ने मोदी को बोला होगा अरे यार क्यों एक सब पोल खोल रहे हो, तो उसी रेट पे मान लिया जाए तो वो आंकड़ा होता है 28 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ लोन माफी, 28 लाख करोड़ टैक्स माफी। इस साल का बजट है 27 लाख करोड़, टैक्स माफी है 28 लाख करोड़। और फिर देश की सारी साधन संपत्ति प्राइवेट में बेची जाए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करो, उसकी बाह मरोड़ो ताकि वो घाटे में चला जाए। जैसे BSNL अब चलता ही नहीं, तो मेरे को मजबूरी में आइडिया का नंबर लेना पड़ा क्योंकि सिग्नल ही नहीं लगता। सिग्नल क्यों नहीं लगता मेरे को मालूम है, क्योंकि BSNL का बॉस मेरा दोस्त है। तो उन्होंने सारे BSNL की लाइन प्राइवेट करवा दी है, प्राइवेट करवा दी मतलब BSNL की लाइनों को वीडियोकॉन को एयरटेल वगैरह को दे दिया है, तो BSNL टावर ही नहीं खोल रहा, सिग्नल कहां से आएगा। मस्त सिस्टम है, तो BSNL घाटे में चला गया, घाटे में ही जाएगा ना, फिर बोलेंगे अरे अरे घाटा हो गया अब हमको बेचना पड़ेगा। तो जो कंपनी की कीमत 20,000 करोड़ रुपए थी उसकी कीमत हो गई 1,000 करोड़ रुपए, अब आप 1,000 करोड़ में बेच दोगे, कोई कंपनी 500 में बेचोगे, कोई 300 करोड़ में बेचोगे, मिट्टी के मोल बेच देंगे। ONGC ने तेल के कुएं खोदे, राज्यसभा में जवाब दिया है कि 150 तेल के कुएं ONGC ने खोजे और वो सारे इन्होंने ONGC से लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पैसा ONGC ने खर्चा किया और प्राइवेट सेक्टर को फ्री में दे दिया कि अब तेल तुम निकालो और तुम बेचो, ONGC घाटे में चली गई। तो पहले पब्लिक सेक्टर की कंपनी को जानबूझ के घाटे में ले जाओ, फिर बोलो कि वो घाटे में चली गई है, बाप रे बाप कितना नुकसान हो रहा है, उसके बाद उसको मिट्टी के मोल बेच डालो। इस साल का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बजट में आता है कि इस साल हम कितना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट करेंगे, 1,00,000 करोड़ रुपया, यानी असल में 3-4 लाख करोड़ रुपए ना, क्योंकि आपने वो सारा 4 लाख की कंपनी 1 लाख में लेकर आओगे ना। तो जब ये बोलते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए है, इसका मतलब है कि 4-5-10 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति प्राइवेट सेक्टर को मिट्टी के मोल सौंपी जाएगी। और दूसरा, पूंजीपति नफा कैसे कमाएगा, कामगारों की तनख्वाह कम करके। तो अभी कुछ दिन पहले मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी घोषित हुई है, कामगार लड़ रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए महीना करो। प्लानिंग कमीशन ने रेकमेंड किया है कि 18,000 है होना चाहिए, एक कमीशन होता है लेबर कमीशन, उसका रेकमेंडेशन है 18,000 करो, इन्होंने घोषित कर दिया है 4,600 रुपए। अब आपको न्यूनतम मजदूरी महीने की 4,600 रुपए ऑफिशियल मजदूरी मिल सकती है, यानी पूंजीपति का नफा और बढ़ गया। तो गरीबों की और बाह मरोड़ो और निचोड़ो ताकि पूंजीपति का नफा बढ़ जाए, ये अलग बात है कि वो इसकी परवाह नहीं कर रहे कि उनका साबुन और तेल कौन खरीदेगा, साबुन तेल खरीदने की बात ही नहीं है, बस तात्कालिक तौर पर नफा
बढ़ाते चले जाना है, ये चल रहा है। तो ये हुआ अमीरों के लिए कि धड़ल्ले से अमीरों को लोन माफी, टैक्स माफी, फला माफी, ढिकाना माफी, उनकी तिजोरी भरी जाती।